इसके अंदर नंबर वन पर है हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बिजनेस। तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आने वाले टाइम के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। तो ऐसे में अगर आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसके अंदर भी मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग के माध्यम से उसको खरीद के आगे सेल करते हो, तो इस बिजनेस की मदद से आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो ऐसे में आप मास्क बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हो या फिर सैनिटाइजर बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आपको लो इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट करना है, तो ऐसे में केवल आप 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये भी इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग के तौर पर यानी कि किसी बड़े होलसेलर से इन प्रोडक्ट को खरीद के रिटेल में सेल करके भी यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कि हेल्थ केयर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको मेरी एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को आज के टाइम में या फिर आने वाले टाइम के अंदर स्टार्ट करते हो, तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। यानी कि जो बड़ी बड़ी के इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, अगर आप उनको कॉन्टेक्ट करके आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए अप्रोच करोगे, तो वहां से आपको काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि उनको अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए इन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप रिटेल कस्टमर को छोड़ के ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर को कॉन्टेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी मात्रा में सेल कर सकते हो और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों लॉकडाउन के बाद आप अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ काफी हाई प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर नंबर दो पर है पेपर नैपकिन मेकिंग बिजनेस। तो दोस्तों अभी तक आपने पेपर नैपकिन का यूज होटल या फिर रेस्टोरेंट में होते हुए देखा होगा, बट अगर मैं आपको आज के बारे में बताऊँ या फिर आने वाले टाइम के बारे में बात करूँ, तो आज और आने वाले टाइम के अंदर छोटे से छोटे शॉप से लेकर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होने वाला है। यहाँ तक कि अभी तो लोगों ने अपने घर में और उसी के साथ में अपनी कार के अंदर भी पेपर नैपकिन को रखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल इन्फेक्शन का खतरा हर जगह पर रहता है, और इसीलिए सब शॉप ओनर, सभी इंडस्ट्री के ओनर, होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी स्पा, सलून, कोई भी शॉप होती है, वहाँ पर आपको पेपर नैपकिन देखने को मिल जाएंगे, और इस प्रोडक्ट की आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी रहने वाली है। तो ऐसे में अगर आप पेपर नैपकिन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इस बिजनेस से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो पेपर नैपकिन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसके लिए मिनिमम आपको 100 स्क्वायर फीट वाली जगह होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका मशीन आपको वहाँ पर फिट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। और उसी के साथ में इस बिजनेस को करने के लिए मिनिमम आपको 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पर आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि पेपर नैपकिन का जो भी बिजनेस होता है वो स्मॉल MSME बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हो, तो वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ कि आप अपने छोटे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप अपने छोटे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप भी वहां से लोन लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर नंबर 3 पर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि COVID-19 के कारण हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंपनियों को अप्रोच कर रही है कि वो लोग आए और हमारे इंडिया में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिले और उसी के साथ में हमारी इंडियन इकोनॉमी को अच्छा खासा बेनिफिट हो। और दोस्तों इसी के कारण फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने जियो के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी जी है उनके साथ टाइप करा है और जियो के टोटल 10% शेयर को बाय करा है, और फेसबुक और जियो मिलकर अपना खुद का जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल ला रहे हैं, जिसके साथ आप भी जुड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आप अगर इंडिया में रहकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे आप आउट ऑफ इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सको, तो इसके अंदर भी आपको इंडियन गवर्नमेंट अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों अगर आप आने वाले टाइम के अंदर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से आप अच्छा
अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचना चाहिए जिसे आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेशनल कंट्री से कुछ ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जिसे आप इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हो और उस प्रोडक्ट को हमारे इंडियन कस्टमर को सेल करने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हो और उसी के साथ में अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे में आने वाले टाइम के अंदर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर नंबर 4 पर है सिरेमिक टाइल्स का बिजनेस। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने जॉब या बिजनेस के लिए अपने घर से या फिर अपने सिटी से दूर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट में जाते हैं या फिर दूसरी सिटी में जाते हैं जॉब या फिर बिजनेस करने के लिए, और ऐसे में वो अपने घर का सही तरह से ध्यान नहीं रख पाते। बट ये लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने घर में आ गए हैं और जो भी लोग सोच रहे थे कि अपना खुद का नया घर बनाने के बारे में या फिर अपने खुद के घर का रिनोवेशन करवाने के बारे में, और उन सभी लोगों को अपना घर बनाने के लिए या फिर अपने घर का रिनोवेशन करने के लिए सिरेमिक टाइल्स की ज़रूरत पड़नी है। तो ऐसे में अगर आप सिरेमिक टाइल्स का ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों सिरेमिक टाइल्स बिजनेस के ऊपर मैंने आप सबके लिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह आप सिरेमिक टाइल्स का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। तो वो पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से आप सिरेमिक टाइल्स का बिजनेस कर सकते हो और किस तरह से वहाँ अच्छे से अच्छा डबल प्रॉफिट कमा सकते हो, ये सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या फिर हमारी चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो जहां पर मैंने आपको सिरेमिक टाइल्स के बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई है। और दोस्तों मेरा पर्सनली भी यही मानना है कि लॉकडाउन के बाद अगर आप सिरेमिक टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस की मदद से आप यहां से अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर नंबर 5 पर है कार वॉशिंग का बिजनेस। दोस्तों लॉकडाउन के बाद मेरा पर्सनली यही मानना है कि कार वॉशिंग का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। उसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी तक अगर आप अपनी कार को कहीं पर भी लेके जाते थे तो आप आके उसे अपने घर की पार्किंग में रख देते थे, बट दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर आप अपनी कार को अपनी सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाते हो अपने काम के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, और बाद में जब भी आप अपनी कार को अपने घर पर लाओगे तो अपने घर पर लाने से पहले आपको उसका वॉशिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि COVID-19 के कारण आपको सब जगह पर इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, और इसीलिए सब लोगों को आने वाले टाइम के अंदर अपनी कार की सर्विस या फिर वॉशिंग करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों बेसिकली कार वॉशिंग का बिजनेस आप केवल 15,000 से लेकर 20,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, और दोस्तों इसके अंदर मैंने अपना खुद का एक नया आइडिया भी सोचा है। अगर आप एक इस तरह के टर्नल बना लेते हो जिसकी मदद से अगर कार एक साइड से जाती है तो दूसरी साइड पर जाने के बाद वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए, यानी कि पूरी टर्नल के अंदर अगर आप सैनिटाइजेशन का स्प्रे स्टार्ट कर दो और ऐसी पूरी टर्नल डिज़ाइन कर दो, तो ऐसे में आपका ये बिजनेस भी अच्छी तरह से चल सकता है। तो अगर आप ऐसे टर्नल बना के अगर किसी भी हाईवे के पास छोटी सी शॉप को किराए पर रख के वहाँ से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही हाई प्रॉफिट कमा के दे सकता है। और दोस्तों मेरा यही मानना है कि अगर आपको मार्केट में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ऐसे में आपको कुछ नया आइडिया लगा कर ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ नया आइडिया की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमा सको। तो दोस्तों ये है वो 5 बिजनेस आइडिया जिसे आप लॉकडाउन के तुरंत बाद स्टार्ट करके यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, इस बिजनेस के मैन्युफैक्चरर का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ट्रेडिंग का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या फिर इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर बताऊंगा और आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और कैसे इस बिजनेस की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने